हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आईआईटी जेम एमएससी मैथमेटिक्स का 2014 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, हम कुछ वीडियोज बनाएंगे जिसमें लगातार कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट कुछ वीडियोज में, वीडियो जैसे वीडियो वन में कुछ क्वेश्चन, कुछ वीडियो टू में, कुछ वीडियो थ्री में, इस तरह से एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ एक्स बराबर एक्स की पावर फाइव मोड ऑफ एक्स पावर फाइव माइनस 25, फोर होल एक्स बिलोंग्स टू आर, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ आर एट विच एफ अटेंस अ लोकल एक्सट्रीमम, मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स हम ग्राफ बना लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस। तो चूंकि ये हमारे पास मोड में है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब जब हम एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पे -5 लें, -5 और +5 दोनों जगह चेंज होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे हाईएस्ट 25 इधर, तो इसकी वैल्यू किस तरह जाएगी यहाँ पे, उसके बाद डिक्रीमेंट, और इधर भी -5 से लेफ्ट साइड में जाते हुए इंक्रीमेंट, और फिर इधर से भी इंक्रीमेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसके टोटल तीन पॉइंट है जहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके टोटल तीन पॉइंट हो चुके हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की पावर टू इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स ई टू पावर एक्स, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अबाउट द पॉइंट एक्स बराबर वन, ये है। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टेलर सीरीज पता होना चाहिए। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज जो होता है हमारे पास एक्सपेंशन एट एक्स इक्वल टू ए पे, हम किस तरह से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से टेलर सीरीज एक्सपेंशन चलता जाता है। चूंकि हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, एक्स ई टू द पावर एक्स, ये है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये जाएगा एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स। इसी तरह से फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस टू। फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स एंड एफ एक्स, ये हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे। अब तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए की जगह वन पुट करना है, ए की जगह वन पुट करना है। तो यहाँ पे हमने एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पे हम वन पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें जब ये पुट करेंगे तो ये एफ डबल डैश ए अपॉन टू, बेसिकली एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म। तो ये हो गया हमारे पास, तो एफ डबल डैश ए, एफ ए की जगह वन पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये e टू द पावर वन वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे टू था, टू ये टू था यहाँ पे, तो ये हो गया थ्री ई बाई टू। तो थ्री बाई टू इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है हमारे पास, लेट ये हमारे पास है एफ एक्स वाई बराबर के बराबर वन टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर के, फोर होल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर,
देन फोर एक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, कौन सी कंडीशन होल्ड होगी? तो हमें देखते हैं यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना कंपलसरी है एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के बराबर 1 to infinity, और ये हमारे पास आ गया के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर k-1। और फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का साइन है k-1, ये हो गया। अब निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ और साथ में ही यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर का भी होगा तो 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं, तो ये हो जाएगा k बराबर 1 to infinity, k आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। तो इस माइनस को हम बाहर ला सकते हैं, ये हो गया। अब हमें x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, तो इस टर्म में हमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, इस टर्म में x का मल्टीप्लाई करना होगा, इस टर्म में y का मल्टीप्लाई। तो इस टर्म में मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारे पास के बराबर 1 to infinity, इस टर्म में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x। अब क्योंकि y का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, बट y जो है इस समीशन में k का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्यों हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया माइनस। अब इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस k बराबर 1 to infinity के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y, और चूंकि इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमें x का, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमें y का मल्टीप्लाई करना था, x का मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y और यहाँ x, और यहाँ पे जब हमने x का मल्टीप्लाई किया तो x अंदर जाके ये हो जाएगा 2xy। अब यहाँ पे देखते हैं ये हो गया 0, तो हमारे पास आ गए वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, जो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, 4ABC बिलोंग्स टू आर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज एग्जैक्ट, देन कंडीशन कौन सी होल्ड करेगी? तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, यहाँ पे एम ये रहा हमारे पास, एन ये रहा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है? जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो। तो यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो इसका विद रेस्पेक्ट टू एम विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस 2y। अब ये किससे इक्वल होना चाहिए? डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, तो 2 ये हो जाएगा 4x प्लस cy। तो कंपेयर करके देखें तो बी एक्स, तो यहाँ पे 4x, तो b बराबर आ गया हमारे पास 4 और cy इक्वल टू 2y, तो c बराबर आ गया 2, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई किस तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है, और मेरी मेल आईडी है itesmina00155@gmail.com। तो ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे यहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।